नादिया, नादिया इधर आओ। जी बैठो मेरे पास। अभी ठीक थी तुम्हारी? जी ठीक है। जब तुम घर वापस आई तो खावर भी वापस आ गया, तब मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। फिर क्या कहा शानी ने? दरअसल शानी से मेरी बात नहीं हो सकी। लेकिन तुम तो मुझसे ये कह के गई थी कि तुम शानी से बात करने जा रही हो। शानी घर पे नहीं था, फोन भी ऑफ था उसका। तो फिर अपनी अम्मी से कह देती ना तुम। या तुम बात को समझो, वक्त नहीं है हमारे पास। फारूक को पैसे जमा कराने देर हो रही है। फारूक को अगर पैसे जमा करवाने हैं तो इसमें नादिया क्यों कुछ करे? और तुम पैसे लेने गई थी फारूक के लिए शानी से, मुझसे पूछे बगैर। ज्यादा मचलने की जरूरत नहीं है और हीरो बन के मत दिखाओ। अगर तुम मदद कर देते ना तो मुझे नादिया को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो शानी घर पे नहीं था, मेरी बात नहीं हो सकी। आइंदा तुम कोई डिमांड लेकर घर नहीं जाओगी, ना शानी के पास ना आंटी के पास। सुन लिया? जी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इंसान ही इंसान के काम आता है, और इस मुश्किल वक्त में अगर वो लोग हमारे काम आ जाएंगे तो उनकी शान नहीं घट जाएगी, और हम कौन से उनके पैसे खा जाएंगे? वापस कर देंगे ना उनके पैसे? अम्मी, शाजिया से कहें कि वो अपने घर के मसले ना खुद निपटाए। कुछ तो शर्म करो, ऐसा लगता है तुम्हारी आंखों का पानी सूख चुका है। अरे, इकलौती बहन है तुम्हारी। इकलौती बहन है तो इससे इनकार किसने किया है? जो कुछ कर सकते थे उसके लिए किया है ना। लेकिन अब मेरी बीवी उसकी डिमांडें पूरी नहीं करती फिरेगी। वाह वाह वाह, बीवी के लिए तो तुम्हें बड़ा दर्द उठ रहा है। माँ और बहन का कोई ख्याल नहीं है, किसी काम ना आना हमें। अम्मी, आप नहीं समझ रही, मेरा नया नया काम है, मैं अभी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है तुम जिंदगी भर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकोगे। सुनो, कुछ बात करनी है मैंने तुमसे। कहिए। राजू, तुमने कहा था वो अपने होश और आवाज में कहा था। सोच लो, बहुत मुश्किल होता है अपनी मोहब्बत किसी से शेयर करना। अपनी मोहब्बत को वीरान देखते रहना उससे ज्यादा मुश्किल होता है। सजीला से बात कर लिया? सही कहते थे सब, वाकई बहुत बड़े दिल की मालिक हो। तुम फिक्र ना करो, मैं कभी तुम्हारे फैसले पर तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपको खुश देखना चाहती हूं। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है।
बस ये वादा करें कि आप खुश रहेंगे। मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है, इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। ए यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया। अस्सलामुअलैकुम मैं। वालेकुम सलाम। कहाँ है जुगनू, चला गया? आजकल जल्दी जा रहा है, मुझे तो यही बताया कि क्लासेस जल्दी शुरू हो रही हैं। वैसे अल्लाह जाने। क्या बात है, नाराज लग रही हैं उससे? मैं क्यों नाराज होने लगी किसी से? वैसे तुम कल बहुत देर से आए थे, सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। नादिया आई थी तुमसे मिलने। बेटा बहन के घर कभी कभार चक्कर लगा लिया करो, बहनों को बड़ा मान होता है भाइयों पे। ठीक कह रही हैं आप, शाम को चलते हैं उसकी तरफ। ऑफिस से वापस आऊंगा तो आपको भी ले चलूंगा, ठीक है? क्या बात है, मूड तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। मेरा मूड अब अच्छा ही रहेगा। सिर्फ तुम्हारा? मेरा मतलब है घर में जो कशीदगी चल रही है वो भी तो कम होनी चाहिए ना। अब सब ठीक होगा अम्मी, बाप का बेटा हमेशा खुश रहेगा। इस यकीन के पीछे कोई खास वजह? आपकी बहू ने वादा लिया है। और तुमने कर लिया वादा? आपको यकीन नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए जाके शान से। वो आजकल तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है, उसे अंदाजा हो गया है कि तुम दोबारा सजीला के बारे में सोचने लगे हो। अम्मी वो पहले दिन से जानती है कि मैं सजीला के बगैर अधूरा हूं। तुम्हें अगर शांजे की मोहब्बत मुकम्मल नहीं कर पाई तो फिर ये तुम्हारा अधूरापन हमेशा रहेगा शानी। बस सच सच बताइए, आपका दिल नहीं चाहता कि मैं सजीला के साथ खुश हूं? नहीं। लेकिन शांजे ने मुझे इजाजत दी है, वो चाहती है कि मैं खुश रहूं सजीला के साथ। दाफिस। मैं रात से महसूस कर रहा हूँ कि तुम परेशान हो, अब जाके वजह समझ में आई है मुझे। नहीं मैम, मैं इस वजह से परेशान नहीं थी। मतलब शानी ने पैसे नहीं दिए तुम्हें ना? हावर अगर शानी घर पे होता तो मैम जरूर से बात करती।
देखो नादिया, मेरे घर वाले मेरी जिम्मेदारी हैं, तुम्हारी नहीं, इसलिए कोई जरूरत नहीं है शानी से पैसे मांगने की। लेकिन शाजिया की वजह से अम्मी भी तो बहुत परेशान है ना। अम्मी का ही कसूर है, शाजिया को उम्मीद दिलानी ही नहीं चाहिए थी पैसों की। बेटी है वो उनकी, जाहिर सी बात है उसके सुकून के लिए उम्मीद तो दिलाएंगी वो। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, तुम्हें कोई ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा सुनो, तो फिर बताओ ना, अगर ये वजह नहीं थी परेशान क्यों हो फिर तुम? वो दरअसल हाँ, वो शानी और सजीला के बारे में शांजे को पता चल गया। हाँ। क्या शांजे ने तुम्हें बताया? नहीं, मैं तो नदामत के मारे उससे बात भी नहीं कर पाई। बहुत गलत कर रहा शानी ये, मतलब कैसे भूल सकता है वो शांजे के एहसानों को? आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? मैंने तो कभी हिमायत भी नहीं की है शानी की। हाँ तो करनी भी नहीं चाहिए तुम्हें, क्या किसी को भी नहीं करनी चाहिए उसकी हिमायत? ये ऐसा बंदा ही नहीं है कि कोई इसकी हिमायत करे। हेलो। हाँ, क्या कर रही हो? ये पूछने के लिए कॉल की है। मिलना है मुझे तुमसे, कुछ बताना है। वही सारी पुरानी घिसी पिटी बातें करनी होगी तुम्हें मुझसे। नहीं, उससे आगे की बात है। कब मिलना है? तुम बताओ, मैं तो तुम्हारे घर के बाहर पहुंचने वाला। क्या अभी? क्यों, इस वक्त में क्या है? जब ऑफिस आ सकती हो तो इस वक्त मिलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? शानी, अम्मी के आगे कोई बहाना भी तो लगाना होगा ना, ऐसे तो नहीं मुंह उठा के चली आ सकती मैं। बहाना लगाने की क्या जरूरत है, बता देना मुझसे मिल रही है। दिमाग खराब हो गया ना तुम्हारा? ठीक है, बस सब्र नहीं हो रहा, क्या करूं? शानी बहुत डांट खाने वाले हो तुम। खा लूंगा, लेकिन हो सकता है जो बात मैं उनको बताने जा रहा हूँ वो सुन के अपने डांटने का इरादा तय कर दें। शानी समझने की कोशिश करो, ये सस्पेंस ना क्रिएट करो प्लीज। मुझे बताओ क्या बात है, फोन पे बताओ। हेलो हेलो, काट दिया। सीमा अब तो अपना मूड सही कर लो, भाभी ने कॉल पे जस्टिफिकेशन दे दी ना तुम्हें। मेरा मूड इसलिए नहीं खराब कि तुम्हारी भाभी मुझसे नहीं मिली। तो फिर जो तुमने अपनी अम्मा के सामने अजनबियत का मुजाहिरा किया ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सीमा वो बेचारी सादी सी औरत है, उनको नहीं पता हमारे रिलेशन के बारे में ना। तो यही तो कह रही हूँ, बताते ना उन्हें। वैसे तो तुम बहुत दावे करते हो, अम्मा के सामने मासूम बन गए तुम। अच्छा तो बच्चू ये शरारत की जा रही है। नाराज तो नहीं होगी? अगर तुमसे नाराज होती तो तुम्हारे साथ बाइक पे क्यों आती? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमेशा ऐसे ही ख्याल रखोगे? लिख के दूं? वालेकुम सलाम। रुक जाओ शानी, तुम्हें जो कहना है यही कहो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी माँ के किसी और सवाल के जवाब की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अम्मी, यहाँ खड़े होकर सारी बातें कैसे कर सकते हैं, लोग क्या कहेंगे? तुम दोनों को अगर लोगों का ख्याल होता तो आज ये यहाँ नहीं खड़ा होता।
मामी आप मुझे बात करने का मौका तो दें, आप तो मुझे इस घर का बेटा मानती थी। रिश्ते जब इतने उलझ जाएं, तो रिश्तों के पिछले हवाले भुला देने चाहिए। उन्हीं उलझनों को तो खत्म करने आया हूँ मैं आज। अपनी माँ से पूछो जाकर, क्या ऐसा मुमकिन है? जवाब मिल जाएगा तुम्हें। अम्मी एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। चुप हो जाओ सजीला। शानी जाओ बेटा यहाँ से, मत आया करो यहाँ। मेरी बात तो सुन ले आप, अगली बार अकेला नहीं आऊंगा। मैं सजीला को अपनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। आप मान जाएंगी तो अम्मी को भी ले आऊंगा। जिंदगी को मजाक समझा हुआ है तुम दोनों ने। शादी कोई खेल है? तुम मान गए, ये मान गई, मैं मान जाऊंगी तो क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं शानी, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। और अगर शान से भी मान जाए तो? उसको कोई एतराज नहीं होगा, उसने खुद इजाजत दी है मुझे। लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगी। अम्मी लेकिन ऐसे कैसे? तुम अंदर जाओ सजीला। क्या हो गया आपको अम्मी? सुना नहीं तुमने? अंदर जाओ। शानी जाओ तुम भी यहां से, और दोबारा यहां मत आना। जैसे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शानी आया था मेरी तरफ। क्यों? ये तो आप पता कीजिए ना, वो यहाँ क्यों आया था? आपके घर में क्या चल रहा है, आपको कुछ खबर नहीं है? तुम बता दो क्या हुआ है। कुलसुम शानजे के लिए मजबूरी होगी शानी को दूसरी शादी की इजाजत देना, लेकिन मेरी सजीला के लिए कोई मजबूरी नहीं है कि वो किसी की दूसरी बीवी बने। अच्छा तो ठीक है, सजीला से कह दो छोड़ दे शानी की जान।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठिए, मैं देखती हूँ आपदा ने आंटी को बताया भी है या नहीं। नहीं, वो मैंने ही उनसे रोका था। असल में मैं आपसे बात करने के लिए आया था। कहिए, काम ठीक चल रहा है ना आपका? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कोशिश भी करूँ ना, सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं उतार सकता। आपने मुझे ख्वार होने से बचा लिया। इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे तो मजीद ख्वारी से बच जाएंगे। जी, लेकिन आज ना मैं मेरे लिए आपके पास नहीं आया, आज मैं आपसे आपके बारे में बात करने के लिए आया। मुझसे मेरे बारे में बात करने? हाँ, हूँ तो शर्मिंदा थोड़ा थोड़ा मैं, कि ये शानी जो है ना दोबारा से सजीला के साथ जो है ना, ये पर्सनल मैटर है हम। नहीं नहीं नहीं, ये पर्सनल मैटर नहीं है आपका। मैंने आपको अपनी बहन कहा है, आंखें बंद करके थोड़ी बैठ सकता हूँ। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्या हुआ जो आपके पेरेंट्स यहाँ नहीं है? मैं तो हूँ ना, मैं इस शौन्यों का हशर नशर करके रहता हूँ। होश में हैं आप? आप किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे शोहर के बारे में? आपको लगता है जैसे मुझे कुछ पता नहीं है? सब पता है मुझे। मैंने इन दोनों को अकेले में मिलते हुए भी देखा है और वीडियो भी बनाई है। मैं और नादिया तो सख्त परेशान हो गई। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कमाल करती हैं, कैसी जरूरत नहीं है परेशान होने की? आप जो हम सबकी परेशानियां खुद झेलती हैं और हमें कह रही हैं कि हम परेशान ना हो आपके लिए, इतने बेमुरव्वत नहीं हैं हम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? जी बस अभी आया, यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो सलाम दुआ करता चलूँ आपसे। आप लोग बैठे, मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, सलाम दुआ करनी थी ना। सलाम कर लिया और दुआ दिल में दे दी। चाय फिर किसी दिन। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये क्या करने आया था यहाँ? आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा वो अपने साथ नहीं कर रहा, घर बर्बाद कर रहा है अपना तुम्हारी खातिर। कौन सा घर? आपने सुना नहीं कि उसकी बीवी ने इजाजत दे दी है? मानते हो ना उसकी इजाजत की मोहताज हो? और जब इंसान किसी का मोहताज होता है तो उसके सामने सर नहीं उठा सकता। मैं किसी की इजाजत की मोहताज नहीं हूं। अगर कोई मोहताज है तो वो शानी है। चलो मान लिया, शानजे ने अगर शानी को इजाजत दे भी दी तो क्या उसके इस एहसान का बदला वो सारी जिंदगी में चुका पाएगा? वो तो पहले ही उसके एहसानों के बोझ तले दबा हुआ है। वो उसका मसला है, उसके मसले। और वो जब उसके मसलों से तुम्हें कोई गर्ज ही नहीं है तो शादी क्यों कर रही हो? फिर ना बस एक ही बात को लेकर बैठ जाती है। साजिदा ने रिश्ता बताया, आजकल मैं बुला रही हूँ मैं उनको। किस लिए? तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं अब मजीद तुम्हारा पहरा नहीं दे सकती। पहरा? मैं कोई चोर हूँ क्या अम्मी जिसका पहरा देने की बात कर रही हैं आप? चोरों की एक वस्फ ये भी होती है कि उन पे भरोसा नहीं होता, और मुझे अब तुम पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए इज्जत के साथ अपने घर रुखसत हो जाओ, तभी सुकून मिलेगा मुझे। ऐसे क्या देख रहे हैं आंटी? देख रही हूं कि शानी ठीक ही कहता है। तुम बहुत ज्यादा मनमानी करने लगे हो हर मामले में।
मैं समझी नहीं। एक बार तो ख्याल आता है कि तुमसे पूछूं कि कहीं शानी झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन फिर मैं सोचती हूं कि जो उसके लिए, उसकी खुशी के लिए किसी भी हद से गुजर सकती है, वो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत की हिमाकत भी कर सकती है। अगर इससे उनकी जिंदगी में सुकून आ सकता है तो इसमें बुराई क्या है? सुकून सिर्फ उसे चाहिए, तुम्हें नहीं। आप मेरे लिए परेशान ना हो, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या क्या मैनेज करोगी तुम? किस हद तक जाओगी? कब तक मैनेज करोगी? कहीं तुम्हें ये खुशफहमी तो नहीं है कि सजीला से शादी करने के बाद वो तुम्हारी इस कुर्बानी की कदर करेगा? मुझे शानी से बदले में कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी ये जिद तो मैं कभी नहीं मानूंगी। हाँ बोलो। नाराज हो? नहीं यार, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब ये हालात मेरे हक में जा रहे होते हैं अचानक कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अब तुम राजी हो, शानजे राजी है, लेकिन अम्मी और मामी राजी नहीं है। पप्पो भी नहीं मान रही। नहीं, अम्मी को तो खैर मैं मना ही लूंगा। अम्मी को भी मैं मना लूंगी। रमशा से बात की है मैंने, वो बात करेगी अम्मी से। अल्लाह करे रमशा की बात समझ में आ जाए उनको। शानी, तुम्हें पूरा यकीन है कि शानजे ने तुम्हें खुशी से शादी की इजाजत दी है? ऑब्वियसली यार, बल्कि मुझे तो कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी उसको। मेरे दिल का हाल मेरा चेहरा पढ़ के जान लेती है। अच्छा, अगर वो इतनी ही अच्छी है तो मेरा ख्याल निकाल देना अपने दिल से। अच्छा तंज नहीं करो यार, प्लीज। शानी, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि शानजे ये सब कुछ दिल से चाहती है। यकीन नहीं है मुझ पर। ठीक है, उसको बोलो खुदा है अम्मी से बात करें। तो पागल तो नहीं होगी? वो क्यों आएगी तुम्हारे पास? क्यों नहीं आ सकती वो? बहुत मकारी के साथ तो आई थी ना मुझे तुमसे दूर करने के लिए, तो अब क्यों नहीं आ सकती? मैं भी देखना चाहती हूँ कि अपनी खुशियां तो मांगने आ गई थी ना मुझसे, तुम्हारी खुशियां मांगने आ सकती है क्या? इतना गुरूर अच्छा नहीं होता सचिला। ये गुरूर भी तो तुम्हारे प्यार ने दिया है। दिल के हाथों मारे तेरे दर पे आए, तेरे लिए अपनी दुनिया पीछे छोड़ रहे। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई की दवा, गम हो चाहे या सदा। है यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप बताएं, आपने शानी से बात की सजीला के बारे में? कोई फायदा नहीं बेटा बात करने का, शानजी ने खुद ही हथियार डाल दिए, मैं क्या बात करती। क्या शानजी क्या कहती है इस बारे में? उसने शानी को इजाजत दे दी शादी की। क्या इसका मतलब सजीला कामयाब हो गई अपने इरादों में? अम्मी मैं तो शानजी से नजरें नहीं मिला सकती, उसे देखकर कलेजा मुंह को आता है मेरा। वैसे एक बात है अम्मी, शानजी ने भी तंग आके इजाजत दी होगी। मैंने तो कह दिया शानी से, शानजी ने इजाजत दे दी होगी मगर मैं नहीं दूंगी। वैसे ये बहुत जुल्म है अम्मी शानी की तरफ से, वो इतना ख्याल रखती है, जिंदगी बदल दी उसकी, लेकिन फिर भी शानी को परवाह ही नहीं है। आज खावर आया था, बहुत जल्दी में था। अच्छा, मुझे नहीं पता। कह रहा था इधर किसी काम से आया था। हो सकता है हो भी अम्मी। आएगा तो पूछ लेना, मुझे लगता है कि कोई खास बात थी। खास बात? बेटा आपदा से मैंने पूछा कि खावर आया तो मुझे क्यों नहीं बताया, कहने लगी खावर साहब ने मना कर दिया था। मना कर दिया था? चलो आएगा तो पूछ लेना तुम। जी ठीक है। अच्छा बेटा, ख्याल रखना अपना, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। खावर ने अगर अम्मी से नहीं मिलना था तो क्या शानजी से मिलने गए थे? मुझे तो मना कर रहे थे कि मैं किससे पैसों के लिए मुतालबा नहीं करूंगी, कहीं खुद शानजी के पास मुतालबा करने तो नहीं पहुंच गए? नहीं नहीं, मैं भी क्या फिजूल बात सोच रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। हद है रमशा, बजाय अम्मी को समझाने को उल्टा मुझे समझाने बैठ गई हो। तुम तो सबसे बड़ी हिमायती थी ना शानी की। खुदाइश कर रही हो। कहते हैं ना कि जिसे सब कुछ मिल जाता है जिंदगी में, उनके पास दूसरों को देने के लिए सिर्फ नसीहतें ही बचती हैं। खुदा हाफिज। अब क्या बहन से भी ऐसे बात करोगी? आपकी जबान बोलेगी तो ऐसे ही बात करोगी। तुम उसका दुख नहीं समझ सकती सजीला, तुम्हें तो यही लगता है कि वो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही है। रुपए की रेल पेल दिलों की वीरानी खत्म नहीं कर सकती। तो फिर वो नाशुक्री है, मोहब्बत करने वाला शौहर जो अपनी आंखों के सामने से हिलने तक नहीं देता, और आप कहते कि उसका दिल वीरान है। तुम ये बात नहीं समझोगे। खैर, सजदाने वाली है, उसके सामने कोई उल्टी सीधी बात मत करना। तुम इससे पहले भी दो चार रिश्ते भगा चुके हो। मना करते उन्हें, मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं नहीं मानती तुम्हारे इन जज्बाती फैसलों को, साबुन की झाग की तरह बैठ जाते हैं। आपको इतनी बेयकीनी क्यों है मेरे फैसलों पर? अच्छा ये बताओ, शानजी अगर शानी का साथ छोड़ दे तो तुम तब भी अपने फैसले पर कायम रहोगी? मैं तो चाहती हूँ वो उसका साथ छोड़ दे। इसे अब क्या काम है शानजे का शानी की जिंदगी में? वो नहीं रही तो शानी के पास कुछ नहीं रहेगा। आपकी बेटी इतनी भी बेवकूफ नहीं अम्मी। शानी अब शानजे का मोहताज नहीं है, वो घर शानी के नाम पर है, वो जब चाहे शानजे को उस घर से निकाल सकता है। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। सरदा खालों को मना कर दीजिए कि कोई रिश्ता लाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी सिर्फ शानी के साथ ही गुजारूंगी।